दो लड़के, एक लड़का, तीन, दो लड़की, अच्छा पढ़ाई भी है, लिखाई भी है उनकी, या किराए पे भी रह रहा हूँ मैं, तब क्या हो कैसे। पहले साइकिल से करता है, ये साइकिल की आईडी है हमारी। भैया आप इससे फूड डिलीवरी कर रहे हो? फूड डिलीवरी कर रहे हो इससे? ये लिफ्ट में कैसे जाते हो आप, मतलब टांगों से दिक्कत है? इससे भी दिक्कत है केवल? अच्छा देखो भाई, ये फूड डिलीवरी कर रहे हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉनिक है या फिर? देखो भाई ये कितनी मेहनत कर रहे हैं भाई। कितनी देर से लॉगिन हो आप? मैं 12 बजे से लॉगिन हूँ। 12 बजे से कितने का काम हो गया? 250 रुपये का हुआ अभी, ऑर्डर ही ना मिल रहा। अभी हम भाई गौर सिटी 2 में, यहाँ पे देखो भाई, और ये भैया मिले हैं। देखो भाई इससे फूड डिलीवरी कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं हो जाए अभी। कितने का काम हुआ है 12 बजे से? 250। देख एक बार फ़ोन दिखाना। अच्छा। देखो ये भैया का फ़ोन ले लिया है मैंने, इसको चेक करता हूँ मैं। देखो भैया के लिए कितना टाइम हो गया, 7 घंटा 37 मिनट हो गए। 243 रुपये का काम हुआ है, केवल 8 ऑर्डर कंप्लीट हुए हैं। देखो भैया और कितनी मेहनत कर रहे हैं भाई, ये देख सकते हो भाई। और मैं तो पहली बार देख रहा हूँ भाई आपके लिए, मतलब अंदर बाइक जाने के लिए मना तो ना करते हैं? गेट के अंदर चली जाती, फिर एंट्री कराए गेट पे चला जाता हूँ। अच्छा अच्छा, एंट्री कराए गाड़ी खड़ी कर देता हूँ। हाँ मतलब रेस्टोरेंट जहाँ तक फ्लैट रहता है ना, फ्लैट के सामने। अच्छा फिर गाड़ी एंट्री कराएगा, फ्लैट में लिफ्ट से चला जाता हूँ। कब से काम कर रहा है इसमें? इसमें काफ़ी दिन हो गए, पहले स्विगी चलाता था। स्विगी चलाते थे पहले, फिर जोमेटो का चलाने लगा। अच्छा काम तो 2-3 महीना हो गया, पहले सिलाई करता था। 2-3 महीने हो गए। ये स्कूटी कब लगा रही थी ये? इसलिए पहले साइकिल से करता है, ये साइकिल की आईडी है हमारी। अच्छा साइकिल से काम करते थे अब? साइकिल की आईडी। तो साइकिल भी, ये तो साइकिल भी तीन पहियों वाली थी का? पहिये होते हैं साइकिल में, तो दो ही होते हैं। अच्छा वो साइकिल से भी करते रहते? फिर वो बंद कर दिया, फिर ये गाड़ी लेके आए नहीं। अच्छा हाँ, तब कर ना, तो कोई और दिक्कत तो ना हो गई आईडी में? हैं और कोई प्रॉब्लम तो ना इसमें? ना दिक्कत कोई ना है। एक बार चेक करो यार, कुछ करो इसमें इंतजाम यार। गेट बैठे बैठे 1.5 घंटा हो गया, 5:30 बजे का मान लिया। अच्छा पहले सही देता था दिन। गेट कैंसिल तो नहीं मार रहे हो ज्यादा? गेट तो मैंने गुस्से में सवेरे कैंसिल मार दी थी, मैं सो के ही ना उठ पाया था। 8 बजे से 11 बजे तक, 10 बजे तक का कैंसिल हो गई थी। अभी 12 बजे से लॉगिन कराया ना, तब से एक भी यार घर नहीं गया हूँ 12 बजे से लॉगिन में। आपके गिग ज़्यादा कैंसिलेशन है, इसी वजह से ये गिग कैंसिल मत करो। इसमें जब कैश कितना आया हम पे बताना? इसमें कैश है आप पर माइनस में नहीं हो अभी, 700 कैश का ऑर्डर आता होगा। देखो नहीं मेरे पास कैश आया है, पता नहीं कितना है, मुझे ध्यान नहीं है। 634 रुपये? हाँ, 634 का ये है, 237 का ये है। इसी हफ्ते के अब नहीं है, अब नीचे का वो तो नीचे। हाँ ये दो कैश आए हैं पर। अच्छा, दो कैश आए तो आपका भाई माइनस में कहाँ है? 270 रुपये ये समझ लो आपके अकाउंट में है, ये अभी माइनस में नहीं है। ये ऑर्डर आ गया तो ठीक है, ये मिठास से आया है भाई ऑर्डर इनका, और यहाँ से इन्हें एक्सेप्ट करना है। इसको रीच कर देते हैं, ये देखो 5 मिनट वेटिंग टाइम दे रहा है भाई। अब बताओ क्या करेंगे आदमी, अब 5 मिनट दे रहा, 10 मिनट लगा लेगा रेस्टोरेंट। बताओ 10 मिनट रेस्टोरेंट लगा लिया, फिर जाएंगे जाम में, फिर साला वहाँ पर एंट्री कराएंगे मेन गेट पे, 5 मिनट वो खा लेगा, फिर जाएंगे सोसाइटी में गार्ड के पास 5 मिनट। 20 रुपये में बताओ कितनी मेहनत लगती है? 5 मिनट वो खा लेता हुआ, उसके बाद एंट्री ऊपर फ्लैट पे जाना पड़ता। अब बताओ 1 घंटे में 20 रुपये का एक बजाएगा तो क्या गुजारा होगा? बस ये बात तो सही कह रहे हो। 3-3 बच्चे हैं, 2 लड़की और 1 लड़का, बताइए क्या करा जाए? दो लड़की। अच्छा पढ़ाई भी है, लिखाई भी है उनकी, या किराए पे भी रह रहा हूँ मैं, तब क्या होगा, कैसे गुजारा होगा? सही कह रहे हो। 1000 रुपये किराए का जाता है, बड़ी लड़की के 250 रुपये फीस जाती है, लड़का की जाती है 300। अच्छा कितना हो गया? 250, 300, 450 हो गए हैं। अब 200 रुपये और बाकी ट्यूशन के लगा लो, 650 रुपये तो बच्चे के महीने के हो गया। सही कह रहे हैं आप, मतलब फिर भी क्या करोगे यार, कंपनी कंपनी से क्या कह सकते हैं? कंपनी को फायदा हो रहा है, क्या करा जाए। टीएल से बात नहीं की आपने? ये
गया था आज टीएल पलविंदर के पास। हाँ आज उसने करा है कुछ भी, कह रहा अब धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ बार ये गिग कैंसिलेशन कम मारो, जितना काम करो उतनी बुक करो केवल, ठीक है। अगर कैंसिल करूंगा तो पैसे कट जाने दूंगा, मर कोई दिक्कत नहीं, मतलब करूंगा ना उतनी जितनी, मतलब उतनी बुक करो जितना काम करना है बस। ज्यादा कैंसिलेशन करोगे ना, पर इंसेंटिव डेली लो इसमें। इंसेंटिव ऐसे नहीं मिले, काम करने का हम तरीका बता रहे हैं आपके लिए। इस बोला करूंगा जी, कर दिया देख लो का बस एक एमआरपी है बस हो गया। देखो ये फोन भी आपका हैंग मार रहे हैं, तो इसमें ये टारगेट लिख के आ रहा है जैसे है, ये सभी गे गए हैं इसमें। ये आपके इसमें ऑफर आ रहा होगा, देखो ये देखो यहाँ पे ये फुल डे का ऑफर आता है आपके में, आ नहीं रहा है, कैंसिलेशन लगा हुआ है। यहाँ पे ऑफर आता है ये देखो चल रहा है, पर इसमें ये नीचे देखो लिखा हुआ है ब्रेकफास्ट में और पीएम में, देखो लंच बॉक्स में, डिनर में, तो इसका ध्यान रखना है। ये टाइमिंग देनी है, ये डिटेल पूरी पढ़ के फिर गिग बुक करो। हाँ 7 से 11 हाँ, फिर ये एक्स्ट्रा मिलेगा ना, ये एक्स्ट्रा मिलेगा सब 7 से 11 बजे तक और 1 बजे से 6 PM तक। हाँ ये सब देख के पूरी डिटेल पढ़ लिया करो फिर बुक किया करो, तो इंसेंटिव मिलेगा ये सब। हाँ समझे, चलो ठीक है चलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। देखो भाई ये भाई कितनी मेहनत करते हैं, देखियो भाई इलेक्ट्रॉनिक लिए इन्होंने और भाई विकलांग हैं, और भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं भाई। मैं भाई इनकी मेहनत को मानता हूँ यार, मैं क्या कर सकता हूँ यार, कंपनी वालों से मैं तो कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में भाई, पर जितनी मेहनत भाई कर रहे हैं ना, ये मेहनत देख के मुझे लग रहा है भाई ऐसा बंदा, कोई ऐसा बंदा होगा भाई जो इतनी मेहनत करेगा भाई। और 2-3 बच्चे भी बता रहे थे, 2-3 बच्चे भी हैं। चलो भैया आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा भैया, मेहनत तो कर रहे हो आप कम से कम।